नमस्कार दोस्तों, इस पोस्ट पे दोस्तों शेयर करेंगे अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा किस प्रकार से करें। हर 3 साल में आने वाला अधिक मास इस बार 18 जुलाई 2023 से शुरू हो रहा है, जो कि 16 अगस्त तक चलेगा। ये महीना भगवान विष्णु का प्रिय महीना होता है। इस महीने में मांगलिक कार्य वर्जित हैं, लेकिन पूजा पाठ और भक्ति के नज़रिए से अधिक मास बहुत ही पवित्र माना गया है। इसे मल मास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। अधिक मास में भगवान विष्णु की उपासना करने से बहुत लाभ प्राप्त होता है। इस महीने जो भी लोग विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके जीवन में सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं इस माह में किस प्रकार से करनी चाहिए भगवान विष्णु की पूजा। अधिक मास के समय सुबह सूर्य निकलने से पहले स्नान करके शुद्ध हो जाना चाहिए। साफ वस्त्र धारण करके किसी भी पवित्र स्थान पर एक कलश में जल भरकर रख दें, जहाँ भी आप पूजा करना चाहें वहाँ पर। कलश की स्थापना करने के बाद उसके ऊपर एक पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति को पूजा स्थान पर जरूर रखें। इसके बाद गोवर्धन धारम वंदे गोपाल गोप रूपिणम गोकुल उत्सव मिश्यर्णम गोविंदम गोपिका प्रियम इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान पुरुषोत्तम की विधि विधान से पूजा करें। पूजा करते समय भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान जरूर करें। पूजा के समय अखंड ज्योत जरूर जलाएं। इसके अलावा पूरे महीने विधि विधान से श्री शालिग्राम की मूर्ति की पूजा करें, और अगर स्वयं करने में सक्षम ना हो तो किसी ब्राह्मण से करवाएं। श्री शालिग्राम की मूर्ति की पूजा करने से हमारे सारे पापों के लिए माफ़ी मिल जाती है। तुलसी के पत्तों पर चंदन से ओम या श्री कृष्ण लिखकर भगवान श्री शालिग्राम को अर्पित करें, और शाम के समय दीपदान जरूर करना चाहिए। अधिक मास के अंत में धातु या कांसे के बर्तन में 30 मिठाई के पीस दान करें। ये बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है, और भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर बरसती है। पूरे महीने अपने श्रद्धा अनुसार किसी ज़रूरतमंद को दान करें। तो इस प्रकार से दोस्तों आप पूजा करेंगे तो आपको भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। पोस्ट अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर जो कमी लगती है उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपसे इस पोस्ट से अब हम आज्ञा चाहते हैं, आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।